आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके जो है डायलर के अंदर जो है रिसेंट कॉल हिस्ट्री आपको शो नहीं कर रहा है तो आप लोग कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, वही आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पर जो है डायलर को ओपन कर लिया और यहाँ पर रिसेंट पर जो है क्लिक करता हूँ तो अगर आपको यहाँ पर जो मेरे में जो है नंबर शो रहे हैं यहाँ पर सारे, लेकिन अगर आपके मोबाइल में यहाँ पर जो है नंबर शो नहीं हो रहे हैं, हिस्ट्री शो नहीं हो रही है, तो आप लोग इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हो, कैसे फिक्स कर सकते हो, वही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं किसी बकवास के। तो आपको यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, आपको आपके मोबाइल की जो है सेटिंग्स को आपको सबसे पहले ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे आप लोग यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐप्स का या फिर ऐप मैनेजमेंट का, तो आपको ऐप्स पर आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐप मैनेजमेंट का या फिर ऐप लिस्ट का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपके मोबाइल में जितने भी ऐप होंगे वो सारे यहाँ पर जो है ओपन हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है राइट साइड में एक थ्री डॉट दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है शो सिस्टम या फिर शो ऑल ऐप्स, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे आपके जो है सारे सिस्टम ऐप्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको ऊपर एक सर्च सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों, यहाँ पर जो आपको लिखना है फोन। जैसे आप लोग यहाँ पर फ़ोन लिखोगे तो यहाँ पर जो है फ़ोन नाम से जो ऐप है वो यहाँ पर आ जाएगा, जिससे आप लोग जो है डायल करते हो नंबर वगैरह तो वो यहाँ पर आ जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा फोर्थ स्टॉप का, ये ऑप्शन आपको ऊपर भी दिख सकता है और नीचे भी, तो आपको फोर्थ स्टॉप पर आपको क्लिक करना है, फोर्थ स्टॉप कर लेना है। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टोरेज यूजेस का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको आपको जो है इसका डाटा क्लियर डाटा यहाँ पर जो है कर देना है। इतना करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिख रहा है फ़ोन कॉल एंड SMS स्टोरेज दूसरा, इस पर आपको क्लिक करना है और इसको अभी आपको जो है अगर फोर्थ स्टॉप मांग रहा है यहाँ पर ऊपर तो फोर्थ स्टॉप कर देना है, दूसरा आपको स्टोरेज आपको जो है क्लियर डाटा कर देना है। इतना करने के बाद बैक आना, देन आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है फ़ोन मैनेजर का, इस पर आपको क्लिक करना है, फोर्थ स्टॉप करना है, स्टोरेज पर जाना है, क्लियर डाटा करना है, बैक आना है। उसके बाद आपको दिख रहा है फ़ोन सर्विसेज पर आपको क्लिक करना है, फोर्थ स्टॉप कर देना है और स्टोरेज यूजेस पर जाके इसका डाटा क्लियर कर देना है। बस दोस्तों अब आपको इतना सा काम करना है, अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपके आपका जो मोबाइल है उसको स्विच ऑफ करना है या फिर आप लोग रिस्टार्ट कर सकते हो। स्विच ऑफ करने के बाद अब आप लोग यहाँ पर जो आपका गूगल डायलर को ओपन करोगे डायलर को, तो आपको यहाँ पर जो आपका रिसेंट कॉल हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगी। अब आपको यहाँ पर आपकी जो है हिस्ट्री आपको दिख जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग इस प्रॉब्लम को आप लोग ठीक कर सकते हो। मेरे यहाँ पर जो है हिस्ट्री जो है लोडिंग हो रही है, थोड़ी देर में यहाँ पर जो है दिख जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग आपकी इस प्रॉब्लम को जो है फिक्स कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है, इसके बाद भी आपको रिसेंट कॉल हिस्ट्री आपको दिखाई नहीं देती यहाँ पर, तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता देना। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।